हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके ही चैनल फैंटेसी डॉक्टर में एक बार फिर से। जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के बीच यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है। इस मैच की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी एज ऑलवेज आपके लिए। इस वीडियो में आपके लिए फिर से फ्री गिव अवे रखा गया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर करना हो रहा है, फ्री में अमाउंट विन कर सकते हो। वो क्वेश्चन मैं वीडियो में आपसे आगे पूछने वाला हूँ, इसलिए वीडियो से जुड़े रहना। इस वीडियो में एक तो आपको स्मॉल लीग की टीम मिलेगी, प्लस आपके साथ यहाँ पे ग्रैंड लीग की 6 टीम शेयर करेंगे, प्लस वेदर न्यूज़, पिच रिपोर्ट, कौन सी टीम स्ट्रांग रही, कौन सी टीम वीक रहेगी, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, प्लस आपके साथ यहाँ पे हम बाई के पिक्स शेयर करने वाले हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में हमारी तरह अच्छा खासा अर्न करना, विन करना, ऐसी ऐप चाहिए जिस पर अपना TDS और GST पूरा 100% बचाना चाहते हो, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है 2 मिनट देके ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारी किसी भी वीडियो के नीचे जा सकते हो। जैसे आप हमारी कोई वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो के नीचे भी जाओगे तो आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आप कमेंट करते हो। जैसे इस कमेंट सेक्शन पे क्लिक करोगे, सबसे ऊपर हमेशा आपको एक ब्लू कलर का लिंक दिखाई देगा जिस पर टेलीग्राम लिखा होगा, HTTPS टेलीग्राम करके। जैसे आप इस ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करोगे टेलीग्राम के, हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। फिर उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं है, फ्री चैनल है हमारा। बाकी इंस्टाग्राम पे हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ सकते हो, और हमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ के पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हो हमसे, और व्हाट्सएप का जो है वो बैकअप के लिए ज्वाइन करके रखो। तीनों लिंक हमारे बिल्कुल फ्री है, बिंदास जाके ज्वाइन करो अगर आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहते हो तो। प्लस अगर बात की जाए तो फैंटेसी खेलता हर कोई है, बट फैंटेसी में इन्वेस्टमेंट को लेके कोई सीरियस नहीं रहता, इसलिए लोग ज़्यादातर लॉस करते हो। बट अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख लोगे जिसमें मैंने 4 लाख से ऊपर भी है और 4,500 लोगों ने लाइक कराए, ये वीडियो देख लेना। इसका लिंक मैं ऊपर यहाँ पे आई बटन पर डाल दूंगा। आप इस वीडियो को एक बार देखोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे, बहुत कुछ करना सीख जाओगे। तो जरूर देखना, बहुत चेंज आएगी आपका माइंडसेट में वीडियो देखने के बाद। देखो, जो गिव अवे क्वेश्चन आपको बताना है, बेथ मूनी, एलिसा हीली और एलिस पेरी, ये तीनों बैटर टोटल कितने करने वाले, प्राइस 300 करेगा मैक्सिमम। एक कमेंट अलाउड, और कंडीशन यह है कि वीडियो को लाइक करना और कमेंट में AU वुमेन वर्सेस PK वुमेन लिखना, और विनर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा 3 से ज़्यादा विनर हुए और क्लैश हुआ तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग जिनका आंसर पहले होगा उसको अनाउंस किया जाएगा। इसलिए आंसर पहले जो जल्दी जाके, एडिटेड आंसर अलाउड नहीं और मल्टीपल आईडी से भी कमेंट अलाउड नहीं। कंडीशन को फॉलो करना है, कुछ लोग मल्टीपल आईडी से करते हैं, ये चीज़ ध्यान रख के चलना, इससे नहीं करना है। वेन्यू जो है वो यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई मैच, और वेदर जो है वो क्लियर है, रेन का कोई भी थ्रेट नहीं है, और पैटर्न जो है इस मैच में थोड़ा डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट जो रहेगी गुड रहेगी, और मेरा सारा इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो 100% रहेगा 10+1 में। तो इस मैच में मेरी इन्वेस्टमेंट 10+1 में रहने वाली है, और 7+4 में मेरी मैच में इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। टीम कौन सी जीतेगी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम फेवरेट रहने वाले। फॉर्मेट T20 का एक्सपेक्टेड स्कोर 130+ एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइमिंग जो है वो इंडिया के अकॉर्डिंग 7:30 बजे इवनिंग में मैच है, तो जो लोकल टाइम रहने वाला है वो यहाँ पे 6 बजे मैच रहेगा, और मतलब नाइट मैच, ये 1.5 घंटे का फ़र्क है। और पिच रिपोर्ट जो है वो बैलेंस पिच है, और यहाँ पे असिस्ट करती है यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को मिडल गेम में। मतलब आप शारजा की पिच और दुबई की पिच में कंफ्यूज मत होना। जो शारजा की पिच है वो कम्प्लीटली स्पिन को फेवर कर रही है, बट जो दुबई की पिच है उसमें नई बॉल के साथ फास्ट बॉलर और पुरानी बॉल के साथ मतलब मिडल ओवर में यहाँ पे स्पिन को भी हेल्प करती है। और यहाँ पे 6 मैच जो हुए हैं सो फार इस टूर्नामेंट में, 6 मैच हो चुके हैं दुबई में, और 6 में से 3 बार जो है वो पहले बैटिंग और 3 बार बैटिंग सेकंड ने जीता है। तो इस ग्राउंड पे ऐसा रहा है कि चाहे पहले बैटिंग करो चाहे बाद में रहो, रिजल्ट ज़्यादा डिफरेंट आया नहीं है। बाकी टोटल 6 मैच जो खेले गए हैं सो फार इस टूर्नामेंट में, जिसमें 69 रन अगर बात की जाए तो 69 विकेट सॉरी टोटल गिरे हैं 6 मैच में, जिसमें 33 विकेट फास्ट बॉलर्स ने लिए और 36 विकेट स्पिनर्स ने लिए। तो स्पिनर्स और फास्ट बॉलर का ऑलमोस्ट रेशियो जो है विकेट लेने का सेम है, तो इसलिए ये एक ऐसा ग्राउंड है। शारजा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि शारजा में जो है वो स्पिनर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों के लिए हेल्प है। और सबसे खास बात है, लास्ट 2 मैच जो इस ग्राउंड पे हुए हैं उसमें इंडिया ने भी 170+ स्कोर करा और अफ्रीका ने भी 160+ स्कोर करा। तो आप समझ पा रहे हो कि ये पिच जो है दुबई की वो थोड़ी बेटर हो चुकी है। अब बैटर जो है वो थोड़ा अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं शारजा के कंपैरिजन में। तो इस ग्राउंड पे बैट्समैन, बॉलर या फिर फील्डर मतलब स्पिनर्स या फास्ट बॉलर, दोनों तीनों के लिए कुछ ना कुछ है। तो ऐसा ग्राउंड है जहाँ एक न्यूट्रल और एक बेस बैलेंस ग्राउंड है। बाउंड्रीज जो है वो 68 से 70 मीटर के अराउंड है सामने की, और जो स्क्वायर बाउंड्रीज 60 से 65 मीटर के बीच में रहती है। ध्यान रख के चलना, ये ऑलमोस्ट हर मैच में सेम बाउंड्री ही रख रहे हैं। हिस्ट्री में अगर टॉप 10 विकेट टेकर्स की लिस्ट के बारे में बात किया तो 6 स्पिनर्स और 4 फास्ट बॉलर्स हैं। तो हिस्ट्री में भी देखोगे तो यहाँ पे वैसे स्पिनर ने ज़्यादा डोमिनेट किया है, बट इस टूर्नामेंट में जो बैटर लग रहा है पिच जो है वो धीरे धीरे बैटर होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है बैट्समैन के लिए। एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट जो है वो मैं बोलूँगा कि आफ्टर टेलीग्राम पे दूंगा, क्योंकि एक जो ग्राउंड होता है उस पर एक ही पिच नहीं होती, बहुत सारी पिच होती है, हर पिच का नेचर अलग होता है। अगर बाई चांस ऐसी पिच पे मैच होता है जहाँ ब्लैक सॉइल है या थोड़ी ड्राई है तो वहाँ पे थोड़ा लो स्कोर भी देखने को मिल सकता है। बाकी किसी ग्राउंड पिच पे अगर ज़्यादा ग्रास है और काफ़ी हार्ड है तो वहाँ पे हाई स्कोर देखने को भी मिल सकते हैं। तो डिपेंड करता है, वो अपडेट आपको टेलीग्राम पे दूँगा क्योंकि वो पिच रिपोर्ट हमें टॉस के टाइम पे पता चल पाएगी। टॉस का जो रिजल्ट रहेगा मुझे लगता है पहले टीम को बैटिंग करना चाहिए कि जो पिच है वो स्लो होती जाएगी एज ए गेम प्रोग्रेस। और वैसे ड्यू आ तो नहीं रही अभी तक, पूरे अगर वर्ल्ड कप के बारे में बात किया तो ड्यू उतनी रात को देखने को मिली नहीं है। अगर ड्यू आती है तो टीम को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, वो टीम को पता चल जाता है क्योंकि एक दिन पहले जब उनका स्टाफ रहता है वो देखते हैं कितनी बजे ड्यू आ रही है नहीं आ रही। तो वैसे जनरली ड्यू आ नहीं रही है तो इसलिए टीम पहले बैटिंग भी कर रही है बाद में बॉलिंग भी कर रही है। तो 6 में से 3 बार पहले बैटिंग और 3 बार चेस करने टीम ने देता है। डिपेंड ये करता है टीम के माइंडसेट क्या है। अगर टीम को लगेगा कि पिच बाद में स्लो होगी और ड्यू नहीं आएगी, मतलब पिच बाद में स्लो होगी और ड्यू नहीं आएगी, तो पहले बैटिंग करने का डिसीजन टीम ले सकती है। अब वुमेंस में जो T20 और वनडे के रिकॉर्ड्स मेंस और सॉरी T20 मेंस और वुमेंस और T20 मेंस के रिकॉर्ड जो है, देखो मैंस वुमेन में अभी तक 9 मैच इस ग्राउंड पे, जिसमें 5 बार पहले बैटिंग तो 4 बार सेकंड वाली ने जीता है। और मेंस में भी 45-47 तो ज़्यादा फ़र्क रहा नहीं है, चाहे पहले बैटिंग करो चाहे बाद में, ठीक है। और अगर टोटल 9 मैच वुमेन में हुए जिसमें से 6 बार तो 150 के नीचे रहा है, 2 बार 150 से 170 के बीच में और एक ही बार 170 से 190 के बीच में गए, जो भी लास्ट मैच 172 आया था इंडिया का। 190 के ऊपर या 172 के ऊपर आज तक यहाँ स्कोर गया ही नहीं है। और मेंस से भी देखोगे 93 में से आधे मैचेस 49। जनरली ये ग्राउंड जो है वो ऐसा दिखाता है कि बैलेंस है, यहाँ पे ज़्यादा रन बनते नहीं है, बॉलर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। बट अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे जो पिच है वो बेटर होती जा रही है, जैसे लास्ट 2 मैच में रन देखने को मिले हैं। वुमेंस में एवरेज स्कोर ये है, मेंस में ये है। एवरेज रन पर विकेट 20, हर ओवर में 20 रन के एवरेज से विकेट गिरते, हर 20 रन के बाद एक विकेट गिरता है ऑन एन एवरेज। तो हर 20 रन के बाद ऑन एन एवरेज विकेट गिरता है। हर एवरेज रन पर ओवर है 6, हर 6 रन के मतलब ओवर में, मतलब हर ओवर में 6 रन के एवरेज से रन बनते हैं। 20 ओवर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 आपका एवरेज स्कोर यहाँ निकल के आता है। बाकी अगर बात किया तो बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है वो है वुमेन में W मैटिल, जो कि वो मतलब एसोसिएट नेशन की प्लेयर हैं। बाकी अगर बात किया तो यहाँ पे है भुवनेश्वर कुमार मेंस में, और मेंस में जो हाईएस्ट स्कोर है वो है विराट कोहली का, और वुमेंस में जो है वो वाई खान का है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर लास्ट मैच में आया टीम का, सॉरी इंडिविजुअल नहीं, टीम का स्कोर जो है वो इंडिया का आया 172 और लोएस्ट यहाँ पे 66 है। और मेंस में जो है वो ये है, लोएस्ट ये है। देखो बाई की पिक जो रहेगी, ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करती क्या रहेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती क्या रहेगी, इसको यार थोड़ा डिस्कशन कर। देखो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है तो बाई मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं यहाँ पे आप जॉर्जे बेयरहम पे फोकस कर सकते हो, मेगन शूट पे फोकस कर सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करती है, बाई चांस पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है तो सादिया इकबाल के साथ जाना। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगी पूरे 4 ओवर मिलेंगे, और इतना तो कन्फर्म अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो 1 विकेट तो जरूर लेके जाएगी, और 2 विकेट भी लेगी ना सादिया इकबाल तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सेम नसरा संधू 16 में अवेलेबल है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है, पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करती है ना, तो काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्स अवेलेबल है, जैसे नसरा संधू, सादिया इकबाल, इन पर आपको फोकस करके रखना है। और ये बिल्कुल ऐप डिफरेंट है, सब बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार इस ऐप में खेलना सीख गए तो अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखना वीडियो फुल, और आप एक बार समझ गए तो अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो बात की जाए तो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की जो कैप्टन है फातिमा सना, वो नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके फादर के डिमाइस, मतलब उनके फादर के डेथ हुई है, तो वहाँ पे वो पाकिस्तान वापस जा चुकी है। तो देखते हैं उनकी टीम थोड़ी वैसी वीक हो जाएगी, क्योंकि एक वही प्लेयर थी जो अच्छा कर रही थी टीम के लिए, तो आज थोड़ी वीक और रहेगी पाकिस्तान की टीम। 2 मैच हुए यहाँ पे, दोनों के दोनों मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया यार मतलब बहुत ही रेयरली हारती है, कभी कभार वो, और जो हारती भी तो न्यूज़ बन जाती है। पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है बेथ मूनी, लेफ्ट हैंड बैटर, विकेट कीपर, बहुत कंसिस्टेंट है, अपने से मतलब है, सिंगल डबल लेके कट मारती है, स्वीप शॉट मारती है, स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से मार देती है, फिर मतलब हर टाइप का शॉट मारती है और अपना लगी रहती है। रना बॉल खेलती है 40 बॉल 45 रन ऐसे करके, बट हमें फैंटेसी पॉइंट से मतलब वो हमें दे के जाती है। 102 मैच 29 रन है, 40 की एवरेज है, तो इसलिए कंसिस्टेंट भी रहती है। 40 की एवरेज है इसलिए हर मैच 40 भी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगी, ध्यान रख के चलना, लेके जाना है, और रिस्क लेने वाले वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। बेस्ट एंड कंसिस्टेंट बैटर है ऑस्ट्रेलिया की। एलिसा हीली एग्रेसिव खेलती है। अब एग्रेसिवनेस में ये है कि अगर 6 ओवर टिक गई तो 40-50 रन भी कर सकती है, नहीं तो पहले 2 ओवर में भी निकल सकती है। विकेट कीपर है इसलिए कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट देके आएंगे, इसलिए विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके जाने वाला हूँ। 160 मैच में 3000 के अराउंड रन है, 25 की एवरेज है, पहले मैच में 4 तो दूसरे में 26 की है। बिग मैच प्लेयर है, फाइनल लाइक, मतलब ये जो एलिसा हीली है ये बड़े मैच में चलती है, जैसे सेमीफाइनल फाइनल। जब रिसेंट जो हुआ था 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल, 171 रन किए थे फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट। उससे पहले भी जब T20 वर्ल्ड कप फाइनल आता इंडिया अगेंस्ट हाफ सेंचुरी की थी। मतलब जड़े जैसे जैसे बड़े मैच आते हैं वैसे वैसे एलिसा हीली की फॉर्म वापस आती है। जॉर्जिया बेहरम राइट, और आज वाला इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है तो इसलिए हो सकता है कि जल्दी निकल जाए, बट हम मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि विकेट कीपिंग में भी आपको काफ़ी पॉइंट मिल जाएंगे। बाकी जॉर्जिया बेहरम राइट हैंड बैटर है, लेग स्पिन बॉलर है। ये टीम एज अ फ्लोटर यूज़ करती है, कभी टीम ऊपर प्रमोट करती है कभी नीचे, तो इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है। 15 मैच में 250 के अराउंड रन है, 19 की एवरेज, 60 विकेट है। 2 मैच में 4-4 ओवर करें, 1-1 विकेट लिए और बैटिंग से 4 और 3 रन बनाए। चाहो तो वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्या पता टीम इस मैच फिर से फ्लोटर के यूज़ कर ले। बाकी एलिसा पेरी मोस्ट कंसिस्टेंट है, लास्ट मैच में एक चांस जरूर बनाता है, एक कैच मिला था एलिसा पेरी की बैटिंग में, बट फिर उनका जब कैच छोड़ा था फिर उन्होंने 30 रन बनाए। और वुमेन की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से ऐसा कि सबसे बेस्ट ऑलराउंडर। आप बोल रहे होंगे ऑलराउंडर बॉलिंग तो कर नहीं रहे, वो बॉलिंग अभी नहीं कर रही है, रीज़न पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि 100 टूर्नामेंट जो इंग्लैंड में हुआ था वहाँ तो बॉलिंग जरूर कर रही थी, बट यहाँ क्यों नहीं कर रही इसके पीछे रीज़न अभी तक क्लैरिफाई नहीं है। 158 मैच में 2000 के अराउंड 31 की एवरेज, 126 विकेट है। वुमेन हिस्ट्री में वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर है। अगर बॉलिंग करती तो आंख बनकर कैप्टनसी की भी ऑप्शन होती, बट रिसेंट बॉलिंग नहीं करी, सिर्फ एज अ बैटर खेल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ एज अ टीम में लेके जाएंगे और वाइस कैप्टन मैक्सिमम कर सकते हो, कैप्टन वगैरह के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एशले गार्डन राइट हैंड बैटर, लेग स्पिन ऑफ स्पिन बॉलर है। 91 मैच 1400 रन, 25 की एवरेज, 73 विकेट, और रिसेंट ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट ऑलराउंडर है। 2 मैच में अभी तक 1 ही विकेट निकल गया है, बट मुझे लगता है कि इसे ज़्यादा डिजर्व करती है क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, टीम के लिए डेथ ओवर में बॉलिंग करती है, और जब जनरली सेकंड ऑन बैटिंग करती है और जब टीम को तेज़ी से रन बनाने की जरूरत पड़ती है टीम ऊपर प्रमोट भी कर देती है। बैटिंग से 2 मैच थोड़े ठंडे जरूर गए हैं, 12 ओवर 6, बट उससे मतलब डेंजरस बैटर है, कैप्टनसी की बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन है एशले गार्डनर। फीबी लिचफील्ड लेफ्ट हैंड बैटर है, 17 मैच में 270 रन, 40 की एवरेज, लास्ट में टीम ने ऊपर प्रमोट किया था। लेफ्ट हैंड बैटर है, इनका जो काम है वो है तेज़ी से आके रन बनाना टीम के लिए, क्योंकि रिसेंट में जो है वो एक बात तो है कि ये सबसे बेस्ट फील्डर है वुमेन में, रिसेंटली सबसे बढ़िया फील्डिंग करती हैं और काफ़ी स्टनिंग कैचेस पकड़ी है, और टीम को जब ज़रूरत पड़ती है तो तेज़ी से आके रन भी बनाती है। हंस रही का शॉट है, रिवर्स स्वेप कवर्स के ऊपर से स्टेप आउट करके मारती है, पैडल स्वीप मारती है, तो मतलब हर टाइप के शॉट है। वनडे में ओपन करती है और T20 में मिडल ऑर्डर में खेलती है, और मिडल ऑर्डर में टीम ऊपर नीचे डिमोट प्रमोट करती रहती हैं, बट जब बैटिंग आती है मोस्टली टाइम परफॉर्म करती है। तो 40 की एवरेज अपने T20 करियर में फीबी लिचफील्ड की। बाकी यहाँ पे है ग्रेस हैरिस, लास्ट में टीम ने मौका दिया बट मुझे लगता है टीम को फिर से खिलाना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे टीम इनको ड्रॉप करके डार्सी ब्राउन को प्रेफर कर सकती है। देखो डार्सी ब्राउन को खिलाने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न आपको बताता हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि इस पिच पे फास्ट बॉलर स्पिनर दोनों को हेल्प है, तो मुझे लगता है कि डार्सी ब्राउन को खिलाएंगे, क्योंकि ग्रेस हैरिस क्योंकि टीम के ऑलरेडी बहुत सारे स्पिन ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्रेस हैरिस की जगह हो सकता है कि यहाँ पे वापस ब्राउन को मौका मिले, और ब्राउन जो है वो नई बॉल के साथ थोड़ी डेंजरस हो सकती है। 45 मैच में 500 के अराउंड है, 23 की एवरेज, 9 विकेट है, पावर हिटर है, लास्ट में टीम ने ऊपर प्रमोट भी किया था बट अनफॉर्चुनेटली पहली बॉल पे आउट हो गई थी, बट उससे डेंजरस प्लेयर। आपने IPL में भी देखा होगा, वुमेन IPL में जब सेट होती थी तो मतलब वन साइड मैच को चेंज कर देती थी। तो इंपॉर्टेंट रहेगी ग्रेस हैरिस, अगर आती है तो मिनी ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। बाकी तालिया मेकरा को मुझे लगता है कि टीम पूरा तरीके से वेस्ट कर रही है, क्योंकि ये प्लेयर लास्ट ईयर तक फर्स्ट डाउन मतलब तीसरे नंबर पर बैटिंग करती थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और लास्ट ईयर लगातार ये नंबर 1 बैटर रही थी T20 में, मजाक की बात नहीं है। बट सडनली टीम ने पता नहीं क्या हुआ नीचे भेज दिया, रिसेंट वुमेन IPL के बाद उतना प्रेफर नहीं कर रही ऊपर बैटिंग के लिए। 46 मैच में 1000 के अराउंड रन, 41 की एवरेज है, 17 विकेट्स है। बॉलिंग भी कंफर्म नहीं है कितने ओवर मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, तो इसलिए थोड़ी वेस्ट हो रही है तालिया मेकरा। बाकी अन्नाबेल सदरलैंड इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इनके पास अच्छे खासे वेरिएशन है, डेथ हो रहे बॉलिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। 35 मैच में 121 रन है, 12 की एवरेज है, 20 विकेट है, राइट हैंड बैटर है, फास्ट बॉलर है, और रिसेंटली आप बोलोगे इतने नीचे बैटिंग कर रही कोई बेकारी प्लेयर होगी, आप मानोगे नहीं, टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी है अन्नाबेल सदरलैंड के नाम, तो इसलिए हल्के मत लेना। मैं यही बोलूँगा कि मेगन शूट को हटा दें तो इनकी बैटिंग यहाँ तक है, क्योंकि सोफी मोलिन्यूक्स भी डोमेस्टिक में ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन बैटिंग ओपन करती है, और इवन आपने वुमेन आईपीएल में भी देखा होगा कि आरसीबी के लिए भी ओपन किया था सोफी मोलिन्यू ने। तो अगर मेगन शूट कराते हैं, उनके सारे बैटर हैं, सारे प्लेयर ऐसे हैं कि आके मैच को बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड बैटर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 34 मैच 51 रन 36 विकेट, ब्रिलियंट ऑलराउंडर, 2 मैच में 4 विकेट ले चुकी है, सदरलैंड 2 मैच में 3, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके बॉलर को मिस नहीं करने वाला। मेगन शूट 114 मैच 140 विकेट बेस्ट फास्ट बॉलर है हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के लिए, 2 मैच में 6 विकेट ले चुकी है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, रन भी नहीं दे रही है, विकेट भी ले रही है, पिच पे फास्ट बॉलर के लिए हेल्प है, तो वाइस कैप्टन भी कर सकते हो आप। अब डेथ ओवर में 15 से 20 ओवर के बीच मेगन शूट है, गार्डनर है और सदरलैंड बॉलिंग करेंगे। बेंच में यहाँ पे है डार्सी ब्राउन, मुझे बहुत हाई चांस लग रहे हैं ब्राउन के आने के, वो किसकी जगह आएंगे, ग्रेस हैरिस की जगह आने के चांस ज़्यादा है। 32 मैच में 29 विकेट है, फास्ट बॉलर है, पंट है, पहला मैच खेली थी, 1 ओवर डाला था, उतनी हेल्प नहीं थी पिच पे, इसलिए टीम ने बाकी ओवर दिए नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है, बट मुझे लगता है इस मैच अच्छी हो सकती है। विलेमिंग भी अपनी पेस के लिए जानी जाती है, जैसे कि ब्राउन जानी जाती है, 19 मैच 18 विकेट है विलेमिंग के, और अलाना किंग जैसी मतलब क्वालिटी स्पिनर बाहर बैठी है, जो कि मुझे सरप्राइज़ कर रहा है, बट जगह नहीं बन पा रही। अब किसकी जगह खिलाना है वो थोड़ी दिक्कत आ रही टीम को, क्योंकि बहुत अच्छा मेरे ख्याल से इनकी टीम में सबसे ज़्यादा बॉल को टर्न जो करवाती है वो किंग ही करवाती है, 22 और 21 विकेट, लेग स्पिन बॉलर, कंडीशन अकॉर्डिंग अच्छी है, बट टीम में भी जगह नहीं बन पा रही। गार्थ 6 मैच 5, पहले आयरलैंड के लिए खेलती थी, अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती है। इंपॉर्टेंट बॉलों तो मूनी है, हीली है, वेयर है, एज अ फ्लोटर यूज़ करेंगे टीम, कभी ऊपर तो कभी नीचे। पैरी है, गार्डनर है, फीबी लिचफील्ड मिनी ग्रैंड लीग में या फिर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे उस सिनेरियो में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर बैटिंग आएगी तो अच्छा करेंगे। बाकी यहाँ पे है ग्रेस हैरिस, ग्रैंड लीग टाइप प्लेयर हैं, सेम मैग्रा भी ग्रैंड लीग, बाकी बॉलिंग में मैं तीनों के साथ जाने वाला हूँ। पाकिस्तान वुमेन के बारे में बात की, 2 मैच हार गई हैं, सॉरी 1 मैच जीती, पहला वाला श्रीलंका अगेंस्ट और दूसरा मैच हार गई थी, ये प्रैक्टिस मैच का, ये वर्ल्ड कप का रिसेंट। पॉसिबल प्लेइंग 11 जो रहेगी वह है गुल फिरोजा, राइट हैंड बैटर है, 9 मैच में 105 रन थे, फिर एशिया कप में अच्छा खेला था, क्योंकि एशिया कप में बहुत कमज़ोर टीम थी नेपाल और मलेशिया, तो उनके अगेंस्ट अच्छा स्कोर कर दिया, बट जैसी क्वालिटी टीम आई बेकार परफॉर्म किया, प्रैक्टिस मैच बेकार गया, 2 मैच अभी तक बेकार गया, तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ देखने बाबर आजम की तरह भी लगती हैं यहाँ पर गुल फिरोजा। बाकी अगर बात किया तो यहाँ पर है एम अली, मुनीबा अली, लेफ्ट हैंड बैटर विकेट कीपर, 66 मैच में 1046 रन है, फिर ये एशिया कप अच्छा गया था, फिर मुनीबा अली तो फिर भी कंसिस्टेंट 20, 30, 40 रन तो कर ही लेती है, और विकेट कीपर तो कैचिंग स्टंपिंग का पॉइंट मिलता है, तो कंसीडर कर सकते हो, मुनीबा अली फिर भी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर देती है। सिद्रा अमीन 1-1.5 साल मतलब पिछले साल तक तो बहुत कंसिस्टेंट टीम के लिए परफॉर्म कर रही थी, सेंचुरीज लगाई थी वनडे में, बट रिसेंट ईयर उतना अच्छा गया नहीं है, तो मैं थोड़ा ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग के लिए रिकमेंड करूंगा, बट इनके बेस्ट बैटर रिसेंट जो लास्ट ईयर तक रही थी वो सिद्रा अमीन ही रही थी। ओमाइमा सोहेल राइट हैंड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर, पहले मैच में जब हमने श्रीलंका के अगेंस्ट लिया था तो किसी ने नहीं लिया था, और इनकी वजह से हमने 1 साइड मैच को विन किया था, क्योंकि मेरे को पता था कि ये बैटिंग के साथ अच्छी बॉलिंग भी करती है, टॉस्ट मतलब फ्लाइटेड डिलीवरी डालती है जो बैट्समैन को ललचाती है। लास्ट मैच में भी 3 रन बनाया, 3 ओवर में 1 विकेट लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेंगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, और सामने वाली टीम में 2 लेफ्ट हैंड बैटर भी है, बेथ मूनी और फेबी लिचफील्ड, तो बॉलिंग करने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ भी जाएंगे, तो मैं लेके जाने वाला हूँ यहाँ पे उमाइमा सोहेल को। और प्रैक्टिस मैच में 30-33 परफॉर्मेंस की थी, तो प्रैक्टिस मैच भी अच्छा गया था। बाकी नीदा दार, अब देख लगता है मुझे वापस कैप्टनसी नीदा दार को ही मिलेगी, क्योंकि फातिमा सना, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले जो उनकी कैप्टन थी नीदा दार ही थी। और अगर बात की जाए वैसे नीदा दार ने कुछ खास किया नहीं है, बॉलिंग से 2 मैच हो चुके हैं विकेट मिले नहीं, पर बैटिंग से 20-25 रन करके दे रही है, और इनकी सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है ये, 150 मैच में 1933 रन है, 140 विकेट है। अगर पाकिस्तान में से किसी को वाइस कैप्टन करना है तो फिर एक ही ऑप्शन है नीदा दार। बाकी आलिया रियाज ने अफ्रीका सीरीज़ में अच्छी बैटिंग की थी, 52 नट आउट, 17 नट आउट, 8 नट आउट, बट प्रैक्टिस मैच हो या फिर अभी तक वर्ल्ड कप रहा है उतना अच्छा गया नहीं है। अच्छी फिनिशर है, पावर हिटर है, बट अभी तक ये वो परफॉर्मेंस टीम के लिए आई नहीं है इस वर्ल्ड कप में। पहले मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करती है, इसलिए 20 विकेट भी है, बट अभी बॉलिंग भी नहीं कर रही है जैसे पैरी है। तूबा हसन को अभी कुछ परफॉर्मेंस आई नहीं है, चाहे प्रैक्टिस मैच उठा लो, चाहे आप अभी उठा लो, चाहे एशिया कप उठा लो, तो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, बट यही प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आरूफ शाह ने लास्ट में बैटिंग करी पर बॉलिंग नहीं करी, जो कि मुझे सरप्राइज़ करा, क्योंकि एशिया कप में जब इंडिया के साथ मैच हुआ था तो यहाँ पर आरूफ शाह ने 2 विकेट भी लिए थे। बाकी नसरा संधू और इकबाल दो इनकी बेस्ट प्लेयर हैं, और जिसमें सादिया इकबाल ने सबसे बढ़िया बॉलिंग करी है, हर मैच में विकेट निकाल के देती है। बहुत रेयर टू रेयर मैच जाते जहाँ विकेट ना निकाले। और सबसे मतलब अगर बात किया तो एक्सपीरियंस बॉलर इनकी जो है स्पिनर वो है यहाँ पे नसरा संधू। तो ये दो स्पिन के अच्छे स्पिनर अच्छे जो अच्छा कर सकते हैं, तो इन पे आप ध्यान रख सकते हो। और दोनों में से किसी एक को लेना तो फिर मैं इकबाल को कंसिडर करूँगा। इकबाल नई बॉल के साथ भी कर लेती है, डेथ ओवर में भी कर लेती है, मिडिल ओवर में भी कर लेती है। नसरा संधू की जो स्पेशलिटी है वो मिडिल ओवर में पुरानी बॉल के साथ है और डेथ ओवर में। बाकी डेथ ओवर 15 से 20 ओवर के बीच में फातिमा सना तो अब है नहीं, तो इकबाल संधू और नीदा दार प्रेफर कर सकते हैं टीम। बेंच में यहाँ पे सना तो अवेलेबल नहीं, बट सना ने ही अच्छी परफॉर्मेंस की, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग। तो टीम थोड़ी आज वीक पड़ेगी फातिमा सना के ना होने की वजह से। वैसे होती भी तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया को फ़र्क पड़ता नहीं, बट फिर भी एक फ़ाइट जो होती है वो नहीं देखने को मिल पाएगी उतनी। डी बैग फास्ट है, पहले मैच इंजर्ड हो गई थी, अब देखते फिट होती तो आएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ बाहर बैठेंगे। डियाना बैग 51 मैच 38 विकेट T20 करिए। शमस की परफॉर्मेंस ये है, इरम जावेद की ये है, अलवी ये है, रुबाब ये है, हानी ये है, शमीम ये है। तो ये सारे ऑप्शन है, आप सबके स्टार्ट दे सकते हो। कुछ खास नहीं है, जो भी आएंगे उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बट इंपॉर्टेंट जो रहेंगे हमारे लिए वो रहेंगे। अगर लेना ही है तो मुनीबा अली, ओमाइमा सोहेल है, नीदा दार है। और बॉलिंग में आपको नसरा संधू और इकबाल, इन पाँचों में से कंसिडर करना है आपको। फिलहाल आपको इस मॉलिक की टीम प्लस ग्रैंड लीग की मैं 6 टीम दे रहा हूँ। सेम टीम को किसी भी ऐप पे लगा सकते हो, कोई क्रेडिट का इशू नहीं। अगर आप सेम टीम का किसी भी ऐप पे जा सकते हो। मेरी इन्वेस्टमेंट विजन 11 ऐप पे रहती है। रीजन साफ साफ ये है कि 4 साल से ऊपर हो गया ऐप में खेलते हो, ना तो मुझे आज तक इशू है, ना मैंने यूजर्स को आने दिया है। और सबसे खास बात है इस ऐप की TDS फ्री ऐप है, GST फ्री ऐप है। ना तो आपको TDS देना है, ना तो आपको GST देना है। तो आप बिल्कुल फुल आपका पैसा सेव हो रहा है। और आपको स्मार्ट अगर इन्वेस्टर बनना है तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, और आपको पता चलेगा आपका पैसा कहाँ सेव हो रहा है। तो वो चीज़ आपको अगर एनालाइज करना सीख गए तो आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। फिलहाल 10+1 की टीम जो आपको तो बाद में दूंगा, बट आपको इस ऐप में कोई भी इशू आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बट उसके लिए साइनअप करते हुए आपको रेफर कोड डॉक्टर जरूर डाल देना, ताकि आप हमारे फैंटेसी डॉक्टर की फैमिली में ऐड हो, क्योंकि अगर कोई भी इशू आए तो हमारे थ्रू आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए रेफर कोड का यूज जरूर कर लेना डॉक्टर साइनअप करते हुए। इसकी टीम आपको बाद में दूँगा। अब देखो, ड्रीम ऐप की जो टीम मैंने क्रिएट करी है वो ये करी है। मैंने यहाँ पे बेथ मूनी को रखा है, हीली को रखा है, मुनी वाली अब डिपेंड करता है आपके। और बाकी मैंने लिखा है एलिस पेरी को, बाकी लिचफील्ड का अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तभी लेना है। मैगरा ग्रैंड लीग, विनी ग्रैंड लीग। बाकी हैरिस वगैरह के चांस कम लग रहे हैं मुझे, डार्सी ब्राउन के उतने ज़्यादा लग रहे हैं आज। आलिया रियाज वगैरह मैं बोलूँगा कि ये सब ग्रैंड लीग की है, गुल फिरोजा। बाकी मैंने लिए हैं यहाँ पे गार्डनर, दार, बेरहम, सदरलैंड, सोहेल, मेगन शूट, सादिया इकबाल और मोलिन्यू। अगर यहाँ पे बाई चांस बनता है यहाँ पे किसी तरीके से डार्सी ब्राउन का, तो हो सकता है मैं उमायमा या फिर सादिया इकबाल में से किसी एक को ड्रॉप करके डार्सी ब्राउन के साथ भी जा सकता हूँ। तो डार्सी ब्राउन पे आपको नज़रें रखनी है, इस मैच में बहुत हाई चांस मुझे लग रहा है आने के। तो कैप्टन जो रहेंगी वो मेरी रहेंगी। गार्डनर वाइस कैप्टन में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो। वाइस कैप्टन जो मेरी जनरली हो सकती है, या तो मैं मेगन शूट को करूँगा, या मोलिन्यू को करूँगा, या वेहरम को करूँगा, या तो आप मूनी या हिली को भी कर सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे। कैप्टन कन्फर्म है, वाइस कैप्टन टॉस के बाद देखते हैं। अगर पाकिस्तान से किसी को करना, सिर्फ एक ही अच्छी ऑप्शन है, वो है यहाँ पे नीदा दार। तो ये मेरी टीम बनेगी। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की टीम आपको बाद में दूंगा। अब देखो, विजन 11 पे मेरी सेम टीम रहेगी, 10+1 कॉम्बिनेशन में कोई चेंज किया नहीं, सेम टीम मैंने क्रिएट करी, ध्यान रख के चलना। यहाँ मेरी सारी इन्वेस्टमेंट रहेगी। ग्रैंड लीग टीम वन जो रहेगी मेरी ये है, सोच के ना आएगी ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉलिंग करेगी और मैच को 1 साइड विन करेगी। ये टीम सोच के बनाई है कि मैंने पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगी, मैच को 1 साइड विन करेगी। वैसे ये चीज़ होनी बहुत ना के बराबर है, तो बट क्रिकेट है, फिर भी मान के चलते हैं। ये टीम मैंने जनरली रैंडम क्रिएट कर ली है। इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट बनाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जीतने के ज़्यादा चांस है। बस थोड़े बहुत चेंज करके वाइस कैप्टन कैप्टन चेंज कर दिए, और ये थोड़े चेंज करना आप भी कर सकते हो, ध्यान रख के चलना, ठीक है। बाकी जो फाइनल टीम होगी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की, मैं आपको टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। टेलीग्राम चैनल ध्यान से ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाए। सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, ध्यान से ज्वाइन कर लें। मिलते हैं फाइनल टीम के टेलीग्राम पर। जय हिंद दोस्तों, बाय। बाकी वीडियो अच्छे लगे जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, गिव में पार्टिसिपेट जरूर करते हो। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।